मैं जनपद पंचायत वाड़ा फंगर के ग्राम पंचायत बसंतपुर में आ चुका हूं। वहीं बता दूं कि बसंतपुर में जो 32 लाख के लागत से जो निर्माण कार्य हो रहा था लाइब्रेरी व सह प्रयोगशाला का, जिसमें घटिया निर्माण कार्य हमेशा सुर्खियों में बना, और फिर वहीं बता दूं कि ग्रामीणों ने जिस प्रकार आक्रोश जताया था, जिसको लेकर वार्ड ऑफ फंगर SDO जो इंजीनियर है आनंद फानन रातों रात इस पे आज हीरा गिट्टी से जिस तरीके से काम कराने का मामला प्रकाश में आया है, तो मैं सीधे तौर पर यहाँ के जो ग्रामीण मेरे साथ हैं उनसे मैं सीधे तौर पर बातचीत करना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ कार्य कराया जा रहा है और इतनी बड़ी क्यों किस तादाद पे इनकी मिली भगत से हो रही है। क्या कुछ मामला है, इसको थोड़ा विस्तार से। मामला यह है कि बसंतपुर स्मार्ट सिटी गांव में आता है, रूबन मिशन के तहत करोड़ों का यहां कार्य चल रहा है, वही बिल्कुल घटिया है। 32 लाख की लागत से ये हायर सेकेंडरी स्कूल कंपाउंड में बच्चों के लिए प्रयोगशाला और लाइब्रेरी के लिए 32 लाख से ये बिल्डिंग बन रहा है, जिसमें एक महीना पहले छत का ढलाई हुआ था, हल्का बारिश होने में भी पूरा छत टपक रहा था, जिसकी शिकायत हम लोग SDO राजाराम पुसाम और CO वाडर फंगर जिला तक भी इसका शिकायत की है कि घटिया निर्माण यहाँ सभी कार्य हो रहे हैं, लेकिन इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके बाद इंजीनियर SDO तत्काल में 13 तारीख को जीरा गिट्टी से ऊपर में रात में आनंद फानन में फिर दोबारा रिपेयरिंग करवाया गया है। तो जब आप लोग इसको आप यहाँ जब आप देखे आप इसकी जानकारी दे, तो उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया जाता है कि उसको उनके द्वारा तो बोले ठीक चल रहा है और रात में सब काम करवाया गया है ना, दिन में करवाते तो सब देख लेते, इसलिए आनंद फानन में रात में किसी तरह लिपापोती करवाया गया है। ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, इतना घटिया निर्माण कार्य कराया गया है कि कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, जब अभी कंप्लीट हुआ ही नहीं है, इसके बावजूद एक कंडीशन है कि पूरा छत से पानी टपक रहा है। इसको अपने कमियां छुपाने के लिए SDO राजा रामपुर शाम एवं इंजीनियर आनंद दुबे के द्वारा और ठेकेदार की मिली भगत से आनंद फानन में ये कार्य करवाया गया है। कहीं ना कहीं यहाँ के जो इंजीनियर हैं या फिर यहाँ के जो SDO हैं, इनको सिर्फ कमीशन कमाने में ही सारा चीज़ विलुप्त कर दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इन बच्चों के साथ इतनी बड़ी खिलवाड़ आखिर क्यों, और इतनी बड़ी लापरवाही होती है तो क्या यहाँ के अधिकारी साधित क्यों चुप्पी बैठी है, ये तो एक बड़ा गंभीर विषय है। वही बता दूँ कि जिस तादाद पे अभी मैं ग्राउंड जीरो पे ग्राम पंचायत बसंतपुर के जो बन रहा है कार्य निर्माण हो रहा है वहीं पे आ चुका हूँ, और मेरे सामने दिखाना चाहूँगा कि ऊपर में अभी जिस तरीके से छत ढलैया का जो काम हुआ है वहाँ अभी पानी चराई भी कर रहे हैं। तो ये बड़ी तादाद पे हमेशा लगातार बसंतपुर जो गांव है भ्रष्टाचार का सुर्खियों में बना रहता है, लेकिन यहाँ के जो अधिकारीगण है हमेशा हमेशा जो भ्रष्टाचार से ही विलुप्त रहते हैं, जिससे किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है, जिसके वजह से यहाँ के ठेकेदार यहाँ के इंजीनियर या फिर यहाँ के SDO CO सबका मनोबल बढ़ा हुआ है। तो ये सोचने वाली विषय है, लेकिन इस हालात पे यदि ऐसा कार्य हुआ है तो अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर किस तरीके से अधिकारी संज्ञान लेते हैं और क्या कार्रवाई करते हैं, या फिर ऐसे ही कागजों के पन्ने पे इनकी जो खूबियां हैं इनकी जो कमियां हैं उनको समेट दिया जाता है। कैमरा पर्सन अर्जुन प्रसाद गुप्ता के साथ विजय लाल मरकाम, बलरामपुर, छत्तीसगढ़।